अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, क्लास ट्वेल्थ का क्रेश कोर्स चाहते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि अब एग्जाम को बहुत कम दिनों बचा है। आप लोग संपूर्ण तैयारी चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए पार्ट एक से लेकर के अभी तक जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी पार्ट को देख ले, आपका तैयारी हो जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने रोलेस थ्योरम के बारे में बताया था, उस वीडियो को देख लीजिए। उनसे संबंधित जो भी सवाल आएंगे उनको आप बना पाएंगे। साथ ही अब जो है कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, यानी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय। अब देखिए लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय, ये प्रमेय क्या है और इसका कथन क्या है। देखिए इसका कथन जो है स्टेटमेंट, इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ कोई फलन होगा, फलन का मान आपको बुक में दिया रहेगा, हिसाब में दिया रहेगा, तो देखना है कि वह फलन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो आपको वहां पर दो मान दिया रहेगा, जहां पर जैसे यहां पर है ए और बी, ए बी है तो वहां पर दो चार जो मान दिया है, तो देखना है कि उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। उसके बाद है वही चीज है कि स्टेटमेंट इफ एफ इज ए फंक्शन, एफ क्या हो, एक फलन हो, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसमें क्या होना चाहिए, समतत्व होना चाहिए, कंटिन्यूअस एट इच पॉइंट इन द इंटरवल, तो इस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, समतत्व होना चाहिए। इसका दूसरा कथन जो है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी देखिए ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, छोटी कोस्ट देते हैं तो ए बी, यानी ए और बी दो बिंदु आपको दिया रहेगा, तो अवकलनीय आपको खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। अगर वह फलन खुला अंतराल में क्या है, अवकलनीय है, तो डेट इज, यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल एट इच पॉइंट, मतलब जो डिफरेंशिएबल है तो ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं सभी पर होना चाहिए डिफरेंशिएबल। उसके बाद जब ये आपको फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब आपको एक पॉइंट सी प्राप्त होगा, तब आपको एक पॉइंट सी प्राप्त होगा जिसका मान होगा, दो जो बिंदु आपको दे रहे हैं जैसे यहाँ पर ए और बी है, तो उसका मान आपको ए और बी के बीच में होगा, वह मान आपको ए और बी के बीच में होगा, तो ये दो चीज हो जाता है तब एक मान हमको क्या प्राप्त होता है, सी वन, यहाँ पर देख सकते हैं कि वन पॉइंट सी, एक बिंदु सी प्राप्त होता है वेयर, अब यहाँ पर देखिए सी का जो मान होगा ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा, यानी सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, सच डेट ताकि एफ डैश सी, तब सी का मान आप फाइंड कैसे करेंगे, तो एफ डैश एक्स यानी उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसमें सी बैठा देंगे तो वो आपको एफ डैश सी का मान हो जाएगा, और एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, तो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दो बिंदु दिए हुए हैं इन फंक्शन में रख करके वह एफ बी और एफ ए का मान निकाल लेना है, यानी बी के स्थान पर जो बिंदु रहेगा और ए के स्थान पर जो बिंदु दिया रहेगा। ये भी यह क्वेश्चन है, देखो इस सवाल को सही से देख लो, समझ गया ना, इस पर आधारित जो भी सवाल रहेंगे सभी को बना देगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर, आपको फलन का मान यहाँ पर दिया है इन द इंटरवल 0-4। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो एफ एक्स बराबर आपको क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये जो है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है आपको पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको जो कोई फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, समझ गया ना, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तो ये कंटिन्यूअस होगा आपको क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, तब आपको एक बिंदु सी प्राप्त होगा जिसका मान ए और बी के बीच, समझ गया ना, ए और बी के बीच में होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, समझ गया ना, 0-4 इसका जो इंटरवल दिया है, और डिफरेंशिएबल ऐसे लिख देना है, जो चीज लिखे है ना गेले गीत को गा दो, समझ गया ना, इसको बनाना ना है, क्या लिखेगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0-4, समझ गया ना, फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0-4 लिख दिया,
एक बार इसका डिफरेंशिएट कर दो, एक बार इसका क्या करोगे डिफरेंशिएट। चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये जो पावर है ये क्या होगा गुणा, पावर में से एक घट गया तो क्या बचा टू एक्स, एक्स बचा समझ गया ना, तो ये क्या हो गया टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा वन होगा ना, वन का क्या हो जाता है जीरो हो गया। चलिए अब जो ये जो कंडीशन है ये लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है तो देखिए क्या लिखना है, नाउ द लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, समझ गया ना, इन इंटरवल, इंटरवल आपका क्या हो गया जीरो फोर, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी, अब सी बिलोंग्स टू क्या होगा जीरो फोर, ये क्या हो गया बिलोंग्स टू, भाषा को रट जाओ समझ गया ना, यही भाषा सब जगह लिखना है, लिख दिया। ये लिखने के बाद जो है तब देखो एफ डैश सी बराबर क्या इसका फॉर्मूला होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बट बी माइनस ए, बट क्या होता है बी माइनस ए। आप देखिए तो एफ डैश एक्स यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, अब क्या करोगे यहाँ पर सी बैठा देना है, क्या करना है सी बैठा देना है। देखो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम समझ गया ना, इसका मध्यमान प्रमेय में सी का मान प्राप्त करना हो ना, तो देखो तीन चीज आप हमेशा पहले से ही ज्ञात कर लेना समझ गया ना, और ना ही तो बाद में भी कर लेना, एफ डैश सी एफ बी और एफ ए निकाल लेना। देखो एफ डैश सी ना मांग रहा है तो हम क्या करेंगे एफ डैश सी, तो ये क्या होगा बोलो तो एक्स है तब ना, एक्स है सी है तो क्या रहेगा सी हो गया ना, इसको समीकरण क्या मान लो एक मान लो ना, एक मान लिए हैं। अब देखो आपको निकालना क्या है एफ बी, क्या निकालना होता है एफ बी, और यहाँ पर जो आपको इंटरवल है वो आपको है क्या है ये जीरो फोर दिया है, इंटरवल क्या दिया है जीरो फोर है ना सवाल में, तो देखो ये b का मान ये a का मान हो गया, ये किसका मान हो गया b का, तो f4 निकालो, क्या निकालो f4, अब 4 कहाँ रखेगा इसमें किस में ऊपर वाले में, यहाँ पर 4 रखेगा तो x का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा 4 माइनस वन हो गया, 4 चौके 16 प्लस क्या हो गया 4 माइनस वन, ये 16 4 20 यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया 19। उसके बाद देखो f है आप प्राप्त करो, एफ ए का मतलब क्या हो गया ये का मान जीरो है, क्या रखोगे जीरो, एक्स की जगह जीरो रखो, जीरो जोड़ जीरो माइनस वन, ये माइनस वन आपको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो चुका है। अब देखो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है ना। अब देखो समीकरण एक से एफ डैश सी का मान क्या है टू सी प्लस वन, एफ बी का मान क्या निकाल रहे हैं देखो एफ बी का मान क्या निकाल रहे हैं 19, ये 19, एफ ए का मान क्या निकला है देख लो माइनस वन, अब बी माइनस ए बी का मान क्या है 19, 4, बी का मान क्या है 4, ए का मान क्या है 0, 19 प्लस 1 हो गया ना अब बटे 4, ये 20 बटे क्या हो गया 4, 4 पंचे 20। अब देखो 2c प्लस 1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया ना, अब देखो 2c बराबर क्या होगा 5 माइनस 1 या 2c बराबर क्या हो गया 4, 2 दूनी 4, c का मान क्या निकल के आया 2, अब देखिए 2 किसके बीच में आएगा 0 और 4 के बीच में आया कि नहीं आया, तो देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है संतुष्ट है, तो एक मान भी दे दिया यह वो किसके बीच में आया जीरो और चार के बीच में, यही समझ गया ना लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पर आधारित इस प्रकार के ही सवाल देंगे और सोल्व इसी प्रकार से कर देना है।